नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। हरियाणा सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है कि हरियाणा के किसान राजस्थान में शामिल होना चाहते हैं। आज हिसार जिले के राजस्थान सीमा से लगती बुड़ा गांव की पंचायत द्वारा दिया जा रहा धरना 14वें दिन में प्रवेश कर गया है। धरने की अध्यक्षता बलवीर पायल और महेंद्र शर्मा ने संयुक्त रूप से की। धरने पर भादरा के विधायक बलवान पुनिया, रोडवेज यूनियन के प्रधान दलबीर किरमारा, बलराज बिजला, रिटायर पंचायत अधिकारी दिलबाग हुड्डा, एफसीआई के पूर्व सदस्य भूपेंद्र कासियान पहुंचे। धरने को संबोधित करते हुए भादरा के विधायक कामरेड बलवान पुनिया ने कहा कि हमेशा हमारा आपस में सुख दुख का नाता रहा है, उसी के लिए मैं अपने लोगों के बीच पहुंचा हूं। ग्रामीणों ने उन्हें बुड़ाक को राजस्थान में शामिल करने के लिए मांग पत्र दिया तो विनोद ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि जिस हरियाणा को हरियाली के लिए जाना जाता है, जहां राजस्थान के गांव हरियाणा में आना चाहते हैं और उस हरियाणा का गांव बुड़ाक राजस्थान में शामिल होना चाहता है। मैं आपका मांग पत्र राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देकर आपको राजस्थान की भादरा तहसील में शामिल करने की पुरजोर कोशिश करूंगा। रोडवेज प्रधान दलबीर किरमारा ने कहा कि हरियाणा सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है जो अपने आप को किसान हितेशी बताकर हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा देकर जन आशीर्वाद लेकर घूम रही है और उस राज्य का गांव राजस्थान में जाने की मांग कर रहा है। देखो, आज हरियाणा प्रदेश की स्थिति आई है। बुड़ाक गांव आदमपुर हल्का कभी पूरे प्रदेश में, आज भी लोग ये कहते हैं भी आदमपुर में बहुत विकास हुआ है। आज हमारे पड़ोसी हल्के और पड़ोसी गांव से राजस्थान से भादरा से विधायक हैं। विधायक जी आज आए, आज इन्होंने अपना आप लोगों का दर्द समझा और ये कहा कि आज हमारी स्थिति राजस्थान में, हम पहले हरियाणा राजस्थान वाले हरियाणा में शामिल होना चाहते थे, आज हरियाणा वाले राजस्थान में शामिल होना चाहते हैं, तो मेरे विधानसभा में मैं मेरी तरफ से तैयार हूँ। ये हमारे लिए, हमारी सरकार के लिए, सत्ता के लिए, मुख्यमंत्री के लिए बड़ी शर्म की बात है। जब जनता ने आपको सेवा के लिए चुना और आपने नारा दिया है भी जन सेवा सबका विकास समान विकास, आप नारा लेके चल रहे हो और आप जनता को, यहाँ हजारों आदमी धरने पे बैठे हैं और पास से निकल जाते हो, इससे बड़ा जनता का, लोकतंत्र का अपमान नहीं हो सकता। विधायक जी आज यहाँ आए, हम उनकी उनका धन्यवाद करते हैं। दर्द बहुत बड़ा है क्योंकि जल ही जीवन है और इसके बिना अगर मूलभूत सुविधा में सबसे पहले यही चीज़ आती है। आज हम चांद विधायक जी कह रहे थे, बड़े अच्छे शब्दों में उन्होंने बात बताई, चांद से पानी कौन लाएगा भाई? प्रधानमंत्री बैठे रहे, साइंटिस्टों के ऊपर जाके बैठ के वो मिशन फेल कर दिया। एक आठवीं पास, जिसका पता नहीं आठवीं है एक दसवीं है, वो चांद पे वो इसरो के ऑफिस में जाके बैठ गया और वहाँ का वो मिशन फेल करवा दिया। क्या तरीका है? वो इस मंदी वाली बात को दूर करने के लिए वहाँ जाके बैठा था, इस आपकी पानी की मांग को नज़रअंदाज करने के लिए, ताकि युवाओं को भ्रमित किया जा सके हम चांद पे पहुँचे। भाई चांद पे हमें कॉलोनी में नहीं जाना, हमें यहाँ रहना है, हमारी मूलभूत सुविधाओं की कदर करो, पानी की मांग है, इस पानी की मांग को पूरा करो। धन्यवाद। बोल दो ना। आज हरियाणा के बुड़ा गांव में मुझे बेहद खुशी है कि बुड़ा के तहसील जिला हिसार हरियाणा के गांव के किसानों ने मांग की है कि राजस्थान की विधानसभा भादरा में हम शामिल होना चाहते हैं। शामिल करते हुए पानी की समस्या का स्थाई समाधान मैं हरियाणा की सरकार से कहना चाहता हूं कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा नारा है और हरियाणा सरकार के लिए बहुत बड़ी तमाचा है। आपके हरियाणा का किसान ये कहे कि आप हमें राजस्थान में शामिल करवा के पानी दो। हरियाणा में पेयजल पर और सिंचाई पर जितनी बड़ी हजारों करोड़ की खर्च करने के बाद भी ये जो दुर्गति आपने की है, जनता का ये विद्रोह कब बड़े आंदोलन का रूप ले लेगा आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए समय रहते बुढ़ा के किसान की बात सुने और इनका समाधान करें। ये धरना तो 50, 100, 200 लोगों का धरना मत समझना, ये धरना इतना बड़ा धरना हो गया जिसकी आवाज राजस्थान की विधानसभा तक गूंजेगी। इसलिए मैं हरियाणा सरकार से कहना चाहता हूं, फौरन बुड़ाक के किसान की समस्या का समाधान करते हुए टैल पर पानी पहुंचाने का काम किया जाए। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।